पे, और ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलो इसमें देख लें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर ए एंड बी, ए एंड बी, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, और उसके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये पॉइंट ए है और ये एक रेजिस्टेंस लग गया, और यहाँ से एक बैटरी लग गई प्लस माइनस, और एक रेजिस्टेंस लग गया, एक यहाँ पर पॉइंट आ गया। किसी पॉइंट का पोटेंशियल अलग होता है और दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल ये है, ये इसमें जो करंट है वो 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। ये जो बैटरी यूज हुई है वो 3 वोल्ट यूज हुई है, और ये 2 ओम है और ये 1 ओम है। तो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी की वैल्यू निकालना बच्चों, बराबर है। तो अगर मुझे वी ए और माइनस बी बी निकालना है तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम कहीं से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, ए से चलेंगे, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है अप एंड डाउन है सबको नोट करते चले जाएंगे और फाइनली इसे इक्वेट कर देंगे। चलो तो वी ए का पोटेंशियल देखो, वी ए का वी ए से स्टार्ट किया हूँ, इसका पोटेंशियल लिख लिए, आगे गए एक रेजिस्टेंस मिला तो पोटेंशियल मिलेगा यहाँ पे, इधर करंट इधर जा रहे हैं, करंट को फॉलो कर रहे हैं, मतलब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट हायर से लोअर पोटेंशियल जाती है, तो लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में जाते हैं इसलिए माइनस लिखते हैं। तो माइनस माइनस इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बोलो, इसमें 2 एम्पियर और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4। अगर ये प्लस बड़ा वाला डंडा मिल गया प्लस माइनस, तो बड़े वाले डंडे हायर से लोअर जा रहे हैं तो -3 वोल्ट लेते हैं, ठीक है, बैटरी का निगेटिव वाला टर्मिनल। फिर अगेन करंट की डायरेक्शन में ही करंट इधर से ही फ्लो हो रही है तो अगेन माइनस आएगा, और ये इसमें 2 और मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनली वी वी पर पहुंच गए, ये इसका इक्वेशन बन गया। अब इसको नोट कर लो बच्चों, तो वी ए और ये 4 -4 -3 -2 दैट इज वी वी, ठीक है। तो 4 3 7 2 9, तो पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी बी मिल जाएगा बच्चों +9 वोल्ट। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, +9 वोल्ट, दैट इज डी ऑप्शन हम लोग का सही है। तो ये कुछ नहीं है, इसमें अगर कोई दिक्कत आता है देखो, ऐसे याद कर लो कि करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो वोल्टेज निगेटिव लेते हैं, ऐसे याद कर लो, तो करंट इधर जा रही है सीरीज है तो सारे वोल्टेज नोट कर लिया और निगेटिव लिख दिया, उधर से आओगे तो प्लस ले लेते, अगर कोई बच्चा इधर से स्टार्ट करता है तो वो यहाँ से आएगा तो पहले बी बी लिखेगा, मतलब समझ रहे ना, अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो बी बी लिखूँगा और फिर ऐसे यहाँ बी बी आ जाएगी, फिर फाइनली बी ए के इक्वेट कर दूंगा। मतलब अगर कोई उधर से स्टार्ट करता है तो वो लिखेगा बी बी इक्वल टू, करेंट उधर से आ रही है तो प्लस बोलो +2 लिखेगा, और फिर ये +3 वोल्ट लिखेगा, और ये +4 लिखेगा, दैट इज इक्वल टू वी बी, ये प्लस रहेगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ से देखो, एक बार समझ लो, अगर कोई बच्चा उधर से आता है तो ये वी बी लिखेगा, वी बी वी बी +2 +3 +4 इक्वल टू वी ए, ठीक है। तो फाइनली वी ए माइनस वी बी, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू +9 वोल्ट। तो आप उधर से भी लिख सकते हो इधर से भी लिख सकते हो, याद रख रहा है, बट करंट की डायरेक्शन में जाना है तो हमें निगेटिव लेना है, करंट की अपोजिट जाना है तो पॉजिटिव लेना है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, कम पोटेंशियल हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, दैट्स वाई निगेटिवली उधर से आ रहे हैं, तो उधर से आ रहे हैं तो हम इधर इधर हायर पोटेंशियल की साइड जा रहे हैं इसलिए प्लस ले रहे हैं। चलो ये कहता है फिलहाल